ड्रग मामले में जमानत मिलने के बाद अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि अदालत के फैसले के साथ इंसाफ की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की दुआएं ही उन्हें इस बड़ी साजिश से बचा पाई हैं। इसी के साथ उन्होंने पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी जहां से बोलेगी वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे। गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे चरणा च गुरु घर के कूकर होने के नाते गुरु साहब के नतमस्तक चरणा च नतमस्तक होने वास्ते दास आया जी। सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश और मेरे को योग लफ्ज नहीं जिन्नी अरदासां दुआवां प्यार जो पंजाब दे मेरिया मावां भैणां नौजवान वीरां बुजुर्गां ने और खास तौर पर माझा ते इलाका मजीठे हलके दियां मेरिया मावां मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान जिन्हां दी अरदासां सदके मैं समझदा कि दास नूं ये मेहर होई है कि भावें हुकमरान ने बहुत वड्डी कांग्रेस पार्टी ने किड्डी वड्डी साजिश रची सी ये तुसीं समझ सकदे हो कि जिहड़े केस खत्म हो गए कानून नूं कदे शायद इस तरह धज्जियां नहीं उड़ाइयां कानून दियां। कहिंदा मैं गोली खाऊं एक तो तू यार ठोको थाली लिखा के विखा दे तू ए तू तो ठोको थाली तेरे लिखा के विखा दे एवें फजूल दियां गल्लां ये तो एक दूजे नूं गोलियां बम सिट्टदे फिरदे एक दूजे ते तुसीं गोलियां दी गल कर। अखीरला सवाल हुण कोशिश कीती गई सी तुहाडा अक्स धुंधला करन दी तुहानूं इलैक्शन तों पासे करन दी जो अज प्यार मिले लोकां दा की संकेत करदा है? धन्नवाद नहीं कर सकदा जी मैं तुहानूं दस्सां जी मैं इस काबिल नहीं। दास इक बड़ा ही नाचीज नमाणा गुणियां नाल भरिया और ये गुरु की संगत है जी कि जिन्हां दियां दुआवां मैनू लै ही नहीं तां जिहड़े काम च मैनू इन्हां ने फिट कीता ना ये तां कोई किसी नाल ना करे इह जी गंदी राजनीति। सियासी दृष्टि की असर पैण वाला पंजाब दे जो अज जोश देखो दास दा तां लल्लू करे कवल्ली रब सिद्धियां पावे रब पता नहीं किहड़े रंगां च राजी। इसलिए जो परमात्मा सच्चा पातशाह जिवें गुरु साहब नूं मंजूर है गुरु की संगत नूं मंजूर है उन्हां दा कोटन कोट धन्नवाद मेरे को लफ्ज नहीं। मैं तुहानूं गल दस्सां जद मैं रात पैन लग्या हुंदा ना मैनूं रोण निकलदा रोज़ कि मैनूं ओह लोकां ने आके जदों मैं नाडा साहब नतमस्तक होया दुआवां दित्तियां घुट के मावां बुजुर्गां ने जफियां पाईयां फोन आए जिन्हां नूं मैं कदे जिंदगी च नहीं मिलिया एंड पीपल कॉल मी एंड से कि असीं तेरे लिए अरदास कीती है मेरी मदर ने तेरे लिए अरदास कीती है मेरे बुजुर्ग ने तेरे लिए अरदास कीती है मेरी भैन ने अमरीका ते अरदास कीती है कोई कित्थों कह रहा सो मैं जिन्हां नूं कदे जिंदगी च मिलिया ही नहीं। मेरी अरदासा बेनतियां नाल नहीं होना सी मसला मेरा वीर इन्हां दा प्यार है अकाली दल कमजोर करन वास्ते जां मजीठिया नूं कमजोर करन वास्ते सी। चलो ये तो रब ने कमजोर करना ते तगड़ा करना बंदे दे पल्ले दा कुछ नहीं। कांग्रेस कहिंदी खुशी मनाउण दी जरूरत नहीं है जे कारवाई होएगी कांग्रेस को अपना फिक्र करे साडा ना करे साडा तां रब रखा। सिद्धू साहब हलका बदलण दी तैयारी च सिद्धू साहब का फैसला मेरे को योग लफ्ज नहीं कि जो मैं किसी ने कोई सुनेहा नहीं लाया जी। अज तुसी मेरी फेसबुक वेख लो ना मैं किसी को खबर च क्या एकदम रात मन बनिया सवेरे असी चले हाँ ब्यास तो लैके इत्थे तक जो लोगों ने आशीर्वाद दिता मेरा रोम रोम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਯੋਗ ਲੱਭ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਰ ਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ये पुछो ता फिर जे एडा ठोको ताली पुछो कि एडा काबिल सी थोड़ा डी जी पी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये खिलाफ टिप्पणी क्यों की UPSC दे पैनल च क्यों नहीं आया तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन्होंने क्यों इनू अनफिट समझिया और जिसते एडे फेक अंकाउंटरस तो हर तरीके का इल्जाम वो कैरेक्टरलैस बंदा मतलब वो तो सीरीयस कैरेक्टर से भी वो सीरीयस सवाल उठते रहे जिथे जिथे भी हो रहा
क्यों लाया तुसी इहदा पंजाब दा क्या भला। और अज सच्चाई की मैं समझदा जित है, मैं इस तो वध यार किसी के बारे की टिप्पणी करनी, जब सच्चे पातशाह ने सारा कुछ सामने मेहर करती हो, गुरुओं की अरद लोगों की अरदासा सुनिया गई हो, इसलिए असी तो कोर्ट एंड कोर्ट आम लोग बदलाखोरी की राजनीति तहत किया गया, पर आम लोग फिर कानून व्यवस्था तो किस तरह का विश्वास कर। मेरा वीर मैं तो उ कह रहा, देखो डी जी पी की पोस्ट इज अबव पार्टी लाइन, तुसी एक कल वेखो एक डी जी पी नाल इहदे नाल की गिव एंड टेक होया, इस गल की भी इनकुआयरी होवे। इहनू कल्ला ए सी कि जो कांग्रेस कहिंदी है जे मैं कर दूँ, प्रधानमंत्री नू भी एम्बैरस करन दी गल सी ना, कांग्रेस नू पैदा सी तदे कांग्रेस का जिन्हू राहुल गांधी का हैंडपिक ऑल इंडिया प्रेजिडेंट उस वक्त पुछ रहा हाउस द जोश, सिर्फ इसलिए किया जा रहा सी क्योंकि डी जी पी नाल ए गिव एंड टेक होया सी, ए सौदा होया सी कि तू कांग्रेस का एजेंडा चला तो असी तेन डी जी पी बना के रखा, असी तेरा केस यूपीएससी च भी लड़ा और लड़े और सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ा, मगर सुप्रीम कोर्ट से तो लड़न जोगे ही नहीं रहे, जो सुप्रीम कोर्ट से मामला चले गया उत्ते इन्नी सख्त फैसले हो गए। मैं उस गलते आ रहा, जिहड़ा बंदा यह जी कार्रवाई करे तो पंजाब नूं तां हालात खराब ही होने, ये बारे तो किन्ने आई पी एस अफसर ने भी ये बारे टिप्पणी की है, फॉर्मर डी जी पी शायद पहली बारी आई पी एस अफसर निकल के आए हैं कि दिस इज ए बहुत ही माड़ी गल है, और शुक्र है प्रमाण की कि नजायज हुई है। भाजपा का कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भावें 100 वखरे में हो, मगर सच न सच कहना उन्होंने कहा, होर पार्टिया के लीडर ने भी आपकी पार्टी के लीडर ने भी कहा कि यह किस तरह साजिश रची गई है, इसलिए सारिया का क्रॉस पार्टी लाइन अफसर का जिन्हों ने सच की गल की मैं उन्होंने कोटन कोट धनवाद। मैं बिल्कुल देखो मैं एक बेनती करा जी, एवें नहीं मैं कह रहा कि होना चाहिए, मैं मैनू कई अफसर ने आके गल कही है कि किमें साजिशां 50 नंबर कोठी सीएम दी कोठी खरड़ च, किमें 82 बटालियन च डी जी पी दे दफ्तर च, और ये क्यों चट्टोपाध्याय इस हद तक जा रहा सी, क्योंकि ओदा इक्को सीगा कि मैं डी जी पी बनया रह जा, ही न्यू वेरी वेल कि मेरे खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट च मेरे खिलाफ़ दिनकर गुप्ता केस च टिप्पणियां हुई ने, मेरा यूपीएससी पैनल च नौ नहीं आना, और इस गल का कांग्रेस ने भी वो फायदा उठाया कि तेरू बचेगा ता ही जे तू साडे आखे काम करेगा, साडे आखे की काम करना सी, प्रधानमंत्री नू एम्बैरस करना, ऑपोजिशन नू टारगेट करना, पंजाब च यह जा हालात बनाना कि लोग की घबरा जान, और वो सारी काम उन्हें करते, और तदे है कि जेड़ा यूपीएससी चे मगर लड़ते कितने गए, कला यूपीएससी च नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट च किमें एडवोकेट जनरल साहब वो लड़े है, भाई तेनू की है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो पारदर्शनी इनकुआयरी हो लैन दौ, इफ यू हैव नथिंग टू लूज, बट क्योंकि इन्हों डर सी कि जे इनकुआयरी होगी तो सारे दे रोल सामने आ जाएंगे, सीएम दे डिप्टी सीएम दे कांग्रेस के कई एमएलएआं दे घबरा गए, सारे रिकॉर्ड सील हो जाए जी, सीसीटीवी मोबाइल गनमैन तो लैके पीए तो लैके लीडर से सब दे, नहीं तो सारा सबूत खुरत बुरत किया जाऊगा, मैं थोड़ा अज दस रहा। और ये साजिश पिछे यार इन्नी धरने रोज़ मुख्यमंत्री के खिलाफ लगते हैं, किसान भी लाते हैं, मुलाजम भी लाते, रोज़ लगता हक है उन्हों का, वो ला सकते ला, कोई नहीं रोक सकता डेमोक्रेसी से, मगर थोड़ा रस्ता तो कदे नहीं रुकया, पर मुख्यमंत्री का जा ठोकोताली का जो इन्हों तो उदों ही राह नवे चो लभ के लै जाते, तो प्रधानमंत्री वेले क्यों किया, क्योंकि सीगा एम्बैरस करो नंबर बनाने से सियासी, मगर सियासी नंबर की बनाए, 50,000 करोड़ पंजाब नूं आउणा सी, पंजाब दा भला होना सीगा, वो जिहड़ा नुकसान होया अड होया पंजाब दी एक तरीके की, मैं समझदा उहदे च कोई फायदा तो नहीं होया पंजाबियों नूं, और कहना मैं गोली खाऊं हिक ते तू या ठोको थाली लिखा के विखा दे, तू ए टिप्पणियां होण ओह जे बंदे नूं जे डी जी पी लाओ तो उहदा रिजल्ट तुहाडे सामने है, लुधियाने का बंब ब्लास्ट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा च एड्डी वड्डी, देखो गल सारे इत्थे कई करी जांदे आ जी कि ये मोदी साहब की गल है, गल मोदी साहब की नहीं, गल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, देश के लोग वोटा पाउंदे प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिहड़ा सब तो प्रोटेक्टेड बंदा परसन ओदी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए तो फिर पंजाब के लोगों नूं की सिक्योरिटी देनी है बॉर्डर स्टेट च, और यही देखने मिले, और चलो रब दे रंग ने
कि 20 दिन चो लत गया हूँ कदे डी जी पी नहीं बन सकता, बल्कि वो तो एक तरीके की सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी बनी कमेटी है रिटायर्ड जस्टिस की, वो इनक्वायरी होनी। और मैं अज थानू कहना 50 नंबर कोठी चन्नी की कोठी और जेडे इना दे डी जी पी के दफ्तर सारे CCTV रिकॉर्ड्स चट्टोपाध्याय दे, होम मिनिस्टर सुखी रंधावे दे, चन्नी दे ओ बौने MLA दे जीरे दे ते इना दे कईयां दे गनमैना दे पियां दे सब दे CC जो मोबाइल फोन रिकॉर्ड CCTV रिकॉर्ड सील होवे थोड़े सामने आजू कि इन्हां ने विरोधी धिर दी किवें साजिश रची, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की किवें साजिश रची, तो होर कम्मा च की साजिशा, फोन इलीगल तरीके नाल फोन टैपिंग कुछ नहीं छड्डिया 3 महीने च, मगर वह पंजाब नूं की लभ्या। इसलिए बहुत अफसोस नाल कहना पैंदा कि पंजाब के भले की गल करन जगह पंजाब के नौजवान की किसान की व्यापारी की केवल तो केवल बदराखोरी राजनीति और पंजाब नूं बॉर्डर स्टेट नूं डीस्टेबलाइज करना माड़ी लीडरशिप का अज रिजल्ट वेखन नूं आया। गुरु साहब की अपार बख्शिश है, मेरे को योग लफ्ज नहीं, मेरे को योग लफ्ज नहीं कि जो मैं किसी कोई सुनेहा नहीं लाया जी। अज तुसी मेरी फेसबुक वेख लो ना, मैं किसी को खबर च क्या, एकदम रात मन बनिया सवेरे असी चले हाँ ब्यास तो लैके इत्थे तक। जो लोगों ने आशीर्वाद दिता मेरा रोम रोम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਯੋਗ ਲੱਭ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ 4 AG ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ। ये पुछो तो फिर जे एडा ठोकोताली थो पुछो कि एडा काबिल सी थोड़ा DGP तो सुप्रीम कोर्ट ने ये खिलाफ टिप्पणी क्यों की, UPSC दे पैनल च क्यों नहीं आया, तो इंडिपेंडेंट ट्रायल कोर्ट चो फैसले आ गए, हुण हाई कोर्ट चो मैटर फरदर इनवैसटीगेट री इनवैसटीगेट हो गया होवे, DGP होम सैकटरी की रिपोर्ट ही गैब करती होवे, और एक मेरे रिश्तेदार दी STF की हरप्रीत सिंह शेरू की रिपोर्ट नूं आधार बना के बाकी सब शिके ते टंग देना, और तुसी हैरान होंगे कि किवें लोकां नूं 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ पैसे भी ऑफर होए, दबकाया भी गया, डराया भी गया, हर तरीके की साजिश जो एक सरकार कर सकती सी कीती। और मैं धन्नवादी हाँ उन्हां सारे अफसर साहिबाना दा जिन्हां ने सरकार दी इस धक्केशाही दी फॉल्स झूठियां FIR दर्ज करन तो जगह किनारा करता आपदी कुर्सी तो। तुसीं वेख्या ही है कि अद्धे तो वध दर्जन SSP बदले गए, DGP ADGP BOI दे हैड जिन्हां ने सवाल भी उठाए तो आपदी कुर्सी भी छड्ड गए, मगर एक DGP चट्टोपाध्याय जिन्हें ये काम किया रब दे रंग वेखो कि उन्हों आप दे कीते दी आप ही रब ने सजा दे दी। भावें सुप्रीम कोर्ट से जदों दिनकर गुप्ता जी के खिलाफ गए सन आप दी इनपैनलमेंट नू लैके सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी है कि ये बंदा सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय हमेशा आप दी कुर्सी की दुरवरतों करता, और पंजाब इस गल का गवाह है। चाहे वह 2003-04 के बादल साहब के केस बनाए से की बनया, वह अखीर च कोर्ट ने बरी किया। आ इतने इंद्रप्रीत चड्डा जेडे चड्डा साहब सन जेडे चीफ खालसा दीवान दे उन्हां दे लड़के ने सुसाइड नोट च सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ते एक इन्हां दे एक होर जेडे कुछ लोग सन कोई लेडी सन उन्हां ते आरोप लाए, वो इनवैसटीगेशन बाकी सब फड़े भी गए और उन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी हो। इन्होंने रोक लवा ली दिनकर गुप्ता का बहाना लवा के कि मैनू दिनकर गुप्ता फसाऊंगा, उही जे बंदे नू जे DGP लाया तो उहदा रिजल्ट की होया कि श्री हरिमंदर साहब अज तक कदे इह जी बेअदबी करन दी कोशिश नहीं की, एड्डी वड्डी इंटैलीजेंस फेलियर, एड्डा वड्डी पुलिस की नलायकी, और उस तो बाद 0 इनवैसटीगेशन, क्योंकि एक जिहड़ा UPSC तो अनफिट डिकलेयर होवे
जेड़ा जिदा नौ UPSC च पैनल च ना आवे कि यह बंदा नहीं है इस काबिल, सुप्रीम कोर्ट की जिदे खिलाफ़ वो कैरेक्टर से